रोहित शेट्टी की मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रेंचाइजी सिंघम 3 ने इस बार पूरे माहौल को राममय कर दिया है। पूरी मूवी की कहानी पब्लिसिटी राम, रामायण और बजरंग बली के आसपास टिकती नजर आ रही है। अगर हम मूवी की म्यूजिक की बात करें तो भी रामायण के आसपास ही डिजाइन किया गया है, इसलिए इस मूवी का गाना जय बजरंग बली पब्लिक को खासा पसंद आ रहा है। मजे की बात है कि पूरी मूवी की थीम को रामायण के एपिक उपन्यास पर बेस माना गया है, जहां पर आज के अवतार में कॉप ड्रामा को रामायण की थीम के साथ जस्टिफाई किया जा रहा है, इसलिए म्यूजिक को भी उसी तरह का धार्मिक एंगल दिया गया है। अगर आपने मूवी का ट्रेलर देखा तो आपको मालूम पड़ जाएगा मूवी में बजरंग बली का गाना रणवीर सिंह के लिए अलग से डिजाइन किया गया है, जबकि रामायण का पूरी एक मंत्रा थीम चलती रहती है, जहां पर अजय की एंट्री होती है राम अवतार के तौर पर, और सीता की एंट्री के तौर पर तो हम जानते हैं कि वहां करीना कपूर अपने तरीके से जस्टिफाई करती है अपने किरदार को। मजे की बात है इस मूवी में दो तरह की फिल्में चलती हैं, पहली जो कि मॉडर्न एरा में इंडो पाकिस्तान आतंकवाद ड्रामा को नए तरीके से कॉप यूनिफॉर्म में कवरेज दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ चलती है कहानी मैथोलॉजी जो कि सिम्बॉलिक फॉर्म में। अगर आप ट्रेलर देख चुके हैं तो आपको इसकी झलक मिल चुकी होगी, जहां पर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान का रोल करने वाले एक्टर्स अलग हैं, यानी कॉप ड्रामा में जहां पर हनुमान बने रणवीर सिंह, जबकि उसका जो मैथोलॉजिकल वर्जन है मूवी का फ्लैशबैक फॉर्म में चलता है या कह लीजिए सिम्बोलॉजिक फॉर्म में चलता है, वहां पर वो काम वरिंदर सिंह घुमान ने किया है, यानी कॉप ड्रामा में हनुमान बने रणवीर सिंह, जबकि मैथोलॉजिकल ड्रामा बने हैं वरिंदर सिंह घुमान। इसी तरह बाकी सारे रोल भी डिफरेंट एक्टर ने किए हैं, बट मजे की बात है कि दोनों के तार जोड़ दिए गए हैं। जहां जहां राम की हीरोइक एंट्री में ताली बजती है, वहां वहां सिंघम राम के किरदार को आदर्श मानता हुआ आगे बढ़ता है। इसी तरह रामायण के बाकी किरदार भी उसी तरीके से एंट्री करते हैं, जैसे जटायु के रोल में हवा में एंट्री मारते हुए अक्षय कुमार आते हैं, जो कि एंड टाइम पर मदद करने के लिए स्पेशल एंट्री मारते हैं, जो कि दीपिका पादुकोण के साथ एक डिफरेंट तरह की केमिस्ट्री शेयर करते हैं। यानी सिंघम अगेन की जो पूरी बायोस्पी है, जो पूरी यूएसपी है, वो रामायण के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी, प्लॉट, करेक्टर, यहाँ तक कि सिम्बोलिज्म और साथ साथ म्यूजिक भी। अभी बजरंग बली गाना जो आया है वो पब्लिक को खासा पसंद तो आ ही रहा है, बट इसके बाद और बहुत सारे गाने ऐसे आने हैं जो रामायण की थीम को जस्टिफाई करेंगे और दिवाली के माहौल में एक तरह से धार्मिकता का नया रंग घोलेंगे। तो रोहित शेट्टी ने भूलभुलैया को बीट करने के लिए अपनी म्यूजिक की नई धुन निकाली है और बजरंग बली को एक नया एंथम दे दिया है। उम्मीद करते हैं उनकी फिल्म और उसके आने वाले गाने पब्लिक को इतनी पसंद आएंगे और पब्लिक को रामायण का नया कॉप अवतार बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।